तो बच्चों अभी तक हम लोग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन देख रहे थे और हमने डाइजेशन इन माउथ देखा, डाइजेशन इन स्टमक देखा एंड वी वर डिस्कसिंग द डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का हम देख रहे थे कि बाइल जूस जो थे, बाइल सॉल्ट्स ने लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स का इमल्सिफिकेशन किया, उनको ब्रेक डाउन किया और उनको फैट मिसल्स में, स्मॉल फैट मिसल्स में ब्रेक किया, मीन्स स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक किया, ठीक है, ड्रॉपलेट्स में। उसके अलावा क्या हुआ, जो पैंक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स थे, है ना, खासकर जो ट्रिप्सिन था, उसने इनएक्टिव एंजाइम्स को है एक्टिव करा और जो पेप्टोन्स थे और पेप्टाइड्स थे उनको ब्रेक डाउन, उनको ब्रेक किया, किसमें, डाइपेप्टाइड्स में। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, वो डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट हुए और फैट्स जो हैं डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब जो है, नाउ इज द टाइम फॉर द फाइनल डाइजेशन ऑफ द ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, दीज बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फाइनल डाइजेशन भी कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में। ध्यान रखना, ड्यूडेनम इज द रीजन वेयर द फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस। बाकी जो रेस्ट ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन इलियम एंड जेजुनम, क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट विल टेक प्लेस, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेनली नोन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड मटीरियल, राइट। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के, आप ध्यान दो, ढंग से सुनो इस चीज को, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट, इलियम एंड जेजुनम। ड्यूडेनम में क्या हो रहा है, फाइनल डाइजेशन हो रहा है, और इलियम एंड जेजुनम में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो हम अभी देखेंगे एब्जॉर्प्शन किन किन चीजों का होता है। तो पहले हम देखते हैं लास्ट स्टेज ऑफ द और द फाइनल डाइजेशन ऑफ द फूड। सो फाइनल डाइजेशन, यू कैन राइट इट हियर, फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। तो फाइनल फूड किस फॉर्म में चेंज हो चुका है, कहां हो रहा है, टेकिंग प्लेस इन द ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। अब यहां क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सक्कस इंटेरिकस, जो इंटेस्टाइनल जूस है जिसको कि सर्कल इंटेरिकस कहते हैं, उनके जो एंजाइम्स हैं, नाउ दे विल प्ले द रोल टू ब्रेक डाउन दीज बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू द सिंपलर अब्सॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है। सर्कस इंटेरिकस के एंजाइम्स ब्रेक करेंगे, तो एक एक करके देखेंगे। पहले क्या होगा, अब जो डाइपेप्टाइड्स बने थे, डाइपेप्टाइड्स जो है they will be broken down by the enzyme dipeptidases. Dipeptidases enzymes जो है इनको break करके they will convert them into the amino acid, simpler form. They will convert them into amino acid. Amino acid क्या होता है, amino acid is the unit of protein. अब क्या होगा, amino acid के form में जो है हम स्मॉल इंटेस्टाइन जो है फूड को, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करेगा। सेकंड डाइजेशन किसका हो रहा है, डाइसेकेराइड है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स थे वो डाइजेस्ट होकर के, उनका ब्रेकडाउन होकर डाइसेकेराइड्स बने थे पैंक्रियाटिक जूस के थ्रू। अब ये जो है डाइसेकेराइड्स विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, अगेन डाइसेकेराइड, हम एक डाइसेकेराइड इसमें लेंगे माल्टोज, ठीक है, कौन सा डाइसेकेराइड है, माल्टोज है। तो माल्टोज जो है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम माल्टेज, कौन सा एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम माल्टेज, ये क्या करेगा, माल्टोज को चेंज करेगा ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, इट विल फॉर्म प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, राइट। नेक्स्ट क्या है, अब लैक्टोज, इन्फेंट्स में क्या होता है, हम और हम भी दूध भी पीते हैं ना, हम बड़े भी दूध पीते हैं,
तो दूध जो मिल्क होता है इसमें कौन सा शुगर होता है? लैक्टोज होता है. लैक्टोज विल बी ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम लैक्टेज. तो थर्ड इज द लैक्टोज विल बी ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम लैक्टेज इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज. अब बचा दूसरा शुगर मॉलिक्यूल, क्या है? सुक्रोज. सुक्रोज जो है ये क्या हो जाएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम सुक्रेज इट विल बी ब्रोकन डाउन इन द टू मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज. वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज. दोनों जो है मोनोसेकेराइड्स है. ठीक है, तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ, और हमने देख ही लिया है कि ड्यूटेनम में जो लाइपेज एंजाइम है, गैस्ट्रिक लाइपेज, जो पेंक्रियाटिक लाइपेज आएंगे, ये क्या करेंगे? दे विल ब्रेक डाउन द फैट इनटू डाइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स एंड द डाइग्लिसराइड एंड देन डाइग्लिसराइड्स टू द मोनोग्लिसराइड्स. सो दिस इज द फाइनल डाइजेशन. नाउ द डाइजेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो डाइजेशन हो गया, हमने देख लिया. डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन इज ऑब्जर्व इन द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता. Yes, but it is the site of, you can write this information, no significant digestive activity takes place in the large intestine. So what happens in large intestine? होता क्या है लार्ज इंटेस्टाइन में? So let's see what happens in large intestine. So let's see the functions which takes place in the large intestine. तो सबसे पहले तो large intestine में क्या होगा? Absorption of water will take place, absorption of mineral and certain drugs. They all are absorbed in the large intestine. तो कुछ water absorb करेगा, minerals absorb करेगा और कुछ drugs. तो absorption of water, minerals and certain drugs takes place in the large intestine. Next kya hai? Large intestine mein jo mucus ka secretion hota hai, mucosal wall hoti hai, goblet cells present hote hai, to unse kya hota hai? Mucus ka secretion hota hai. To ye mucus kya karte hai? They help in adhering the waste or the undigested particles together and lubricating them for the passes, for the easy passes, for their easy passes. है ना, जो undigested material निकल रहे हैं, digestion complete हो गया large intestine, small intestine में, वहां से undigested material कहाँ आया? Large intestine में. अब उन undigested material से water तो absorb अभी हो जाएगा, absorption हो रहा है, तो रिमेन जो इंडाइजेस्टेड मटेरियल है उनको क्या करेगा? उनकी लुब्रिकेशन के लिए म्यूकस सिक्रीट होगा लार्ज इंटेस्टाइन में. तो म्यूकस जब सिक्रीट होगा तो वो क्या करेगा? उसके चाव वो उनके साथ वो मिक्स होकर के इट विल लुब्रिकेट दोज इंडाइजेस्टेड मटेरियल फॉर देयर इजी पैसेज. ठीक है, सो द नेक्स्ट फंक्शन इज द सिक्रीशन, यू कैन राइट द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस helps in secretion of mucus, helps in adhering the waste, the undigested
पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग देम फॉर इट्स पैसेज. For its easy passes. Right? अब फूड क्या हो रहा है ये हमने देख लिया. डाइजेशन अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट पार्ट. उसके भी उसमें भी लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, सीकम है, कोलन है और रेक्टम है. तो अब क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन से फूड जो है, जो भी इंटेस्टाइन फूड था वो कहाँ जा रहा है, ईलियम से, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के, जो अब हम एक एक करके देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ईलियम से फूड लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में जाएगा. तो फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड ट्रेवल्स टू लार्ज इंटेस्टाइन. नाउ अनडाइजेस्टेड फूड, दिस इज द, you can write undigested particles, right? small intestine से large intestine में जाएगा. तो small intestine के किस part से, jejunum से जाएगा, it will enter into the cecum. ठीक है. एंड बी दिस एंट्री ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड इज कंट्रोल्ड बाय अ वॉल विच इज नोन एज इलियोसीकल वॉल्व. दिस इलियोसीकल वॉल्व प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इनटू द इंटेस्टाइन. ठीक है. अब क्या हो रहा है, फूड जो है सीकम से होते हुए, कोलन से होते हुए कहां पहुंच, अनडाइजेस्टेड मटेरियल. ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल नाउ दे आर नोन एज द फीसेस, है ना. अब इनको हम क्या बोलेंगे, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल, नाउ दे आर नोन एज फीसेस. सो दिस फीसेस नाउ दे रीच टू द सीकम से दे विल रीच टू रेक्टम में रहेंगे. फॉर फ्यू आवर्स, ठीक है, रेक्टम में रहेंगे और उसके बाद दे विल बी इजेक्टेड आउट. ठीक है. एंड लेटर ऑन दे विल बी ejected out. The process of ejection will take place. तो इस तरीके से ये undigested food या feces जो है वो body से बाहर चले जाते हैं. ठीक है. तो ये तो हो गया digestion का process. Digestion के बाद next process क्या होता है holozoic nutrition में. Digestion पहले हम अभी holozoic nutrition नहीं पढ़ रहे हैं. पहला क्या था उसमें, इंजेशन के बाद डाइजेशन. तो अभी हमने डाइजेशन देख लिया, डाइजेशन कंप्लीट हो गया. डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन. द थर्ड स्टेप डाइजेशन का जो थर्ड स्टेप था वो था एब्जॉर्प्शन. अब क्या होगा, जो भी फूड हमने खाया था उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होना है. तो एब्जॉर्प्शन मैंने बताया था शुरू में ही कि जैसे माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है वैसे ही माउथ से एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट होता है कुछ कुछ सब्सटेंसेस का, कुछ कुछ चीजों का, ना सारी चीजों का नहीं. देर आर सर्टेन सब्सटेंसेस विच आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द माउथ. ठीक है. जैसे कि माउथ में सबसे पहले एब्जॉर्प्शन किसका होता है, ड्रग्स. कुछ सर्टेन ड्रग्स विच वी टेक्स इन देर एब्जॉर्ब फ्रॉम द माउथ. माउथ से ही वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. तो लेट्स सी द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एक एक करके हम देखेंगे. ठीक है. तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है,
द न्यूट्रिएंट्स विच आर ऑब्टेन आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड दे आर अब्सॉर्ब बाय द एलिमेंट्री कैनाल. नाउ एब्सॉर्प्शन इन इट टेक्स प्लेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. सो द फर्स्ट वी विल सी द एब्सॉर्प्शन इन माउथ. द माउथ में किस चीज का एब्सॉर्प्शन होता है? ड्रग्स का एंड अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो. तो इन माउथ द एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर. उसके बाद कहां फूड आ रहा है हमारा डाइजेशन के लिए? स्टमक में. स्टमक में देखते हैं किन किन चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है. स्टमक में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा. सिंपल शुगर आर एब्जॉर्ब इन द स्टमक एंड एल्कोहल. सो दीज थ्री थिंग्स आर एब्जॉर्ब इन स्टमक. वाटर, सिंपल शुगर एंड एल्कोहल, राइट? दे आर एब्जॉर्ब इन स्टमक. नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस इन द केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड्स, दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू म्यूकोसा इन टू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ. स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड्स, दे आर एब्सॉर्ब एंड थ्रू द म्यूकोसल वॉल. अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में देयर इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स एंड दिस स्पेशल स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज विलाई. विलाई इज द स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर एब्जॉर्प्शन. मैंने शुरू में स्ट्रक्चर जब हम डिस्कस कर रहे थे तभी बताया था कि विलाई इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, विद द कैपिलरीज, विद द लिम्फ वेसल्स, राइट? तो विलाई जो है इसमें जो इसके ब्लड वेसल्स के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के थ्रू, दीज न्यूट्रिएंट्स दे आर टेकन टू ईच एंड एवरी सेल प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ द फाइन कैपिलरीज, विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वेसल्स, विद द हेल्प ऑफ द लिम्फ वेसल्स, ठीक है? तो जितने भी ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होंगी उनकी हेल्प से जो भी न्यूट्रिएंट्स से विलाई अब्सॉर्ब करेगा, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, राइट? तो वहां पे उसके ठीक है. सो दिस इज द अब्सॉर्प्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ लेट्स सी द अब्सॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में किन किन चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर, सर्टेन सम मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स. तो लार्ज वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, दे आर एब्सॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अगेन वहां पे क्या होगा? माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहेंगे और वो विलाई में क्या होता है? दे आर सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स एंड देन दिस न्यूट्रिएंट्स दे आर सप्लाइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन इज असिमिलेशन. सेकेंड लास्ट प्रोसेस इज असिमिलेशन. अब एब्जॉर्प्शन में तो क्या हो गया? जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, जो हमने फूड खाया था, उस फूड के डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिले वो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो गए और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में चले गए. अब क्या होगा? हर एक सेल में जाने के बाद दे विल बी असिमिलेटेड, ठीक है? वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे विल बी असिमिलेटेड एंड दे विल सिंथेसाइज न्यू
molecules. They will synthesize the new materials, new substances for to provide the energy for our body, for the growth, for the repair of the old and worn tissues of the body. Okay? So this process is known as the assimilation, right? Assimilation mein kya hoga? The nutrients are utilized for energy, growth and repair. ठीक है, ठीक है. जो भी सिंपलर न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हुए, दे आर टेकन टू द सेल्स और हर सेल में क्या होगा, दे विल बी एसिमिलेटेड टू सिंथेसाइज डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स. एंड द लास्ट प्रोसेस इज इन द डाइजेशन इज इजेशन. इजेशन में क्या होता है, नाउ द अनडाइजेस्टेड मटेरियल. अब फूड क्या होता है, जिसे मैंने बताया, हमने देखा कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, वाटर का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन. मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में. तो अनडाइजेस्टेड फूड और द फीकल मैटर जब वो लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर आएगा, ट्रेवल कर करके रेक्टम तक आएगा, तो जितने भी वाटर रहेंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. अब हमने ये भी देखा कि म्यूकस जो रिलीज हो रहा है वो उसके साथ मिक्स होकर के उसको लुब्रिकेट कर रहा है एंड इट फॉर्म अ फीकल मैटर, सॉलिड मैटर विच इज नोन एज द फीकल मैटर. नाउ दिस हैज टू बी रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी. सो इजेशन ऑफ द फीकल मैटर, इजेशन ऑफ undigested food or fecal matter is known as ejection, and this process is also known as defecation. Ejection or defecation, and it is controlled by a valve which is present in the rectum. I have already discussed this in the structure of the alimentary canal while I was discussing this structure. So this is all about the digestion. Now there are few diseases which are disorders which are related with the digestive system. So first disorder is, now let's see the disorders related with digestive system. पहला क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन टेक्स प्लेस, इंटेस्टाइन होती है ना, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो दिस इज ड्यू टू द इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन क्या होता है, स्वेलिंग, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू बैक्टीरिया, ड्यू टू वायरस एंड समटाइम्स ड्यू टू मेनी यू नो वर्म्स. ठीक है, so they cause the intestinal inflammation. Next disease, next disorder is jaundice. Jaundice kaise hota hai, jaundice kya hota hai, jo bile pigments hote hai na they are stored in our body and due to which our skin, our nails, they become yellow in color. I am not going to discuss it in detail, I am just going to tell you about the types, certain types of the disorders which are related with the digestion. Next is vomiting. वॉमिटिंग में क्या होता है, जो खाना हम खाते हैं, द कंटेंट ऑफ द स्टमक, द फ्लो बैक ऑफ द कंटेंट ऑफ द स्टमक फ्रॉम द स्टमक टू द माउथ इज नोन एज द वॉमिटिंग. एंड इसमें इट इज प्रिसीडेड बाय द नोजिया. जब वॉमिटिंग होनी होती है तो पहले में नोजिया आता है, ठीक है, और फिर इसके बाद इट कम्स आउट फ्रॉम द माउथ, द मैटर, द कंटेंट विच आर प्रेजेंट इन द स्टमक. एसिडिटी आपने सुना होगा, एसिडिटी क्या होता है, कभी कभी स्टमक में, हमने पढ़ा है स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है 1.8 पीएच होता है, इतना ज्यादा हाईली एसिडिक होता है. तो समटाइम्स दीज गैस्ट्रिक जूसेस अलोंग विद द दीज एसिड्स दे जस्ट फ्लो बैक इनसाइड द फ्लो बैक इन आवर एलिमेंट्री कैनाल एंड इन आवर माउथ.
सो दिस इज, और इसके बाद क्या होता है, एक सम सोर टेस्ट, वी फील सम सोर टेस्ट, है ना. तो दिस इज नोन एज द एसिडिटी. इससे क्या होगा, गले में जलन होगी, हम खाना नहीं खाना चाहेंगे, डाइजेशन प्रोसेस में दिक्कत होने लगती है, ठीक है. तो दिस इज एसिडिटी. डायरिया, डायरिया में क्या होता है, इंक्रीज्ड लिक्विडिटी इन द फीकल मैटर एंड सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इजेशन इट इंक्रीजेज. एक दिन में कई बार इजेशन, कई बार जो होता है मोशन स्टार्ट हो जाता है, और जो भी मोशन, जो मोशन रिलीज होता है उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, दैट इज नोन एज द डायरिया. देन कॉन्स्टिपेशन, अनदर डिजीज इज कॉन्स्टिपेशन. इरेगुलर बाउल मूवमेंट, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, इरेगुलर बाउल मूवमेंट, नो क्लियर बाउल मूवमेंट, एंड द अनदर डिजीज इज इनडाइजेशन. इनडाइजेशन में क्या होगा, फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा एंड यू विल फील वेरी अनइजी. सो दीज आर सर्टेन डिजीज डिसऑर्डर विच आर रिलेटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो नाउ, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट आई विल बी डिस्कसिंग विद द रेस्पिरेशन. थैंक यू.